नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एच वी एस स्टडीज पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर तो ये टॉपिक जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए एक से दो क्वेश्चन आपको बुक्स एंड ऑथर के ऊपर जरूर मिलेंगे हर एक एग्जाम में तो इस वीडियो में हम टॉप थर्टी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर के ऊपर जो कि काफी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे 2019 और 2020 में जो भी लेटेस्ट बुक जो रिलीज हुई है उनके क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइगर स्पीक तो टाइगर स्पीक जो बुक है उसके ऑथर कौन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिओम तिवारी हरिओम तिवारी जो है ये ऑथर है टाइगर स्पीक बुक के हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रियल लाइफ रियल लाइफ जो बुक है उसके ऑथर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेंडन टेटलर तो ब्रेंडन टेटलर जो है ये रियल लाइफ जो बुक है उसके ऑथर हैं ये बुक जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है हु इज द ऑथर ऑफ दी बुक हॉलीवुड पार्क हॉलीवुड पार्क जो बुक है जो कि काफी फेमस बुक है उसके ऑथर कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल जॉलिट तो माइकल जॉलिट जो है ये ऑथर है हॉलीवुड पार्क बुक के हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिड नाइट सन मिड नाइट सन जो बुक है उसके ऑथर कौन है ये बुक भी एक काफी फेमस बुक है तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेफिन मेयर स्टेफिन मेयर जो है ये ऑथर है मिड नाइट सन बुक के ऑथर ऑफ द बुक फॉलोअर्स फॉलोवर्स जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा मैगन एंजलो मैगन एंजलो जो है इनके द्वारा लिखी गई है फॉलोवर्स बुक हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लो लो जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा जेड थाइल जेड थाइल जो है इनके द्वारा लिखी गई है बुक लो हुब हिजाब बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद कैजनिल प्रसाद कैजनिल जो है इनके द्वारा लिखी गई है हिजाब बुक हुई दी बुक वेदर वेदर जो है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा जेनी ऑफिल जेनी ऑफिल जो है इनके द्वारा लिखी गई है वेदर बुक हु ऑथर ऑफ द बुक हैप्पी फॉर नो रीजन तो हैप्पी फॉर नो रीजन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा मंदरा बेदी मंदरा बेदी जो है इनके द्वारा लिखी गई है हैप्पी फॉर नो रीजन बुक ये बुक 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 भी एक काफी इंपॉर्टेंट है हु इज द द ऑथर ऑफ गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए गेटिंग कॉम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा आरसी भार्गव आरसी भार्गव जो है इनके द्वारा लिखी गई है गेटिंग कॉम्पिटेटिव आ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द बुक शटलिंग टू टॉप द स्टोरी ऑफ पी सिंधु तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा वी कृष्ण स्वामी वी कृष्ण स्वामी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है शटलिंग टू दॉप द स्टोरी ऑफ पी वी सिंधु तो पी वी सिंधु जो है जो कि इंडिया की फेमस टेनिस प्लेयर हैं उनकी बायोग्राफी लिखी गई है कृष्ण स्वामी के द्वारा जिसका नाम है शटलिंग टू दी टॉप द स्टोरी ऑफ पी वी सिंधु मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये भी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हंटेड बाई द स्काई तो हंटेड बाय द स्काई जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा तनाज बेतना तनाज बेतना जो है इनके द्वारा लिखी गई है हंटेड बाई स्काई बुक हु ऑथर ऑफ द बुक नरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म तो नरोजी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनियर पाटिल दिनियर पाटिल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है नरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म तो ये जो बुक है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है नरोजी जो है उनके ऊपर लिखी गई है जो कि लिखी गई है दिनियर पटेल के द्वारा ऑथर ऑफ द बुक डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा दीक्षा बासु दीक्षा बासु जो है इन्होंने बुक लिखी है डेस्टिनेशन वेडिंग हु इज ऑथर ऑफ द बुक पैसेज टू द प्लाजा पैसेज टू दी प्लाजा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा सहर खालिफे सहर खालिफे जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है पैसेंजर टू प्लाजा इस वीडियो में हमने जितनी भी बुक्स ली है काफी इंपॉर्टेंट बुक है और ये लेटेस्ट बुक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आप ढंग से याद कर लीजिए जिससे कि आपको आपके एग्जाम में मदद मिल सके बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हु इज द बुक माई डार्क वेनेस तो माई डार्क वेनेस जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा केट एलिजाबेथ रोसेल केट एलिजाबेथ रोसेल जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है माई डार्क वेनेस काफी इंपॉर्टेंट बुक है हु इज द बुक डेथ एंड इन साइड स्टोरी आ बुक फॉर ऑल दोज हु डाई तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए डेथ एंड इन साइड स्टोरी आ बुक फॉर ऑल दोज हु शेल डाई तो ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा सदगुरु तो सदगुरु जो है उनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल हु शैल डाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिस्टर्स तो सिस्टर्स जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा डेजी जॉनसन डेजी जॉनसन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है सिस्टर्स हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेमलेस काफी इंपॉर्टेंट बुक है शेमलेस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणा सिन्हा अरुणव सिन्हा जो है इनके द्वारा लिखी गई है शेमलेस बुक हु इज ऑथर ऑफ द बुक गन आईलैंड तो गन आईलैंड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष अमिताभ घोष जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है गन आईलैंड काफी इंपॉर्टेंट बुक है अमिताभ घोष की काफी बुक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं काफी बार एग्जाम्स में उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये जो बुक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गन आइलैंड जो बुक है ये लिखी है अमिताभ घोष ने हु इज द द द द ऑथर ऑफ बुक फार फार फील्ड फील्ड जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा माधुरी विजय माधुरी विजय जो है इनके द्वारा लिखी गई है दी फार फील्ड काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये जो बुक है ये किसानों के ऊपर लिखी गई है काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए हु इज द बुक द सेंट ऑफ गॉड तो द सेंट ऑफ गॉड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकट मजुंदार. सेकट मजुंदार जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है द द सेंट ऑफ गॉड हु इज ऑथर ऑफ द बुक स्मॉल डेज एंड नाइट्स तो स्मॉल डेज एंड स्मॉल नाइट्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा तिशानी दोष तिशानी दोष जो है इनके द्वारा लिखी गई है स्मॉल डेज एंड स्मॉल नाइट्स जो कि काफी फेमस बुक है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ दूशन हैंड बुक तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ दल्यूशन हैंड बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा सबा नकवी सबा नकवी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द दल्यूशन हैंडबुक ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हु इज द द ऑथर ऑफ बुक क्लोज टू दी बोन क्लोज टू दी बोन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा लीजा रे लीजा रे जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है क्लोज टू बोन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेव यूथ सेव नेशन तो सेव यूथ सेव नेशन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा सीमा हिंगोनिया सीमा हिंगोनिया जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है सेव यूथ सेव नेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा रुस्किन बॉन्ड रुस्किन बॉन्ड जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये बुक जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए ये एक नॉन इंडियन बुक है जो कि जिसका नाम है जिसका टाइटल दिया गया है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये लिखी गई है रुस्किन बॉन्ड के द्वारा हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इफ इट ब्लीड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी इफ इट ब्लीड्स जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेफिन किंग स्टेफिन किंग जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है इफ इट ब्लीड्स हु इज दर ऑफ द बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंड्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ए वी पथाभी राम सी ए वी पथाभी राम जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंड्स हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डेथ ऑफ जीसस द डेथ ऑफ जीसस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा जे एम क्वजिन जे एम क्विटी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है दी डेथ ऑफ जीसस सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए तो दोस्तों अगर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर आपको वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें धन्यवाद दोस्तों